क्षेत्र के सुनहरा गांव में एक पीड़ित महिला कामा थाने पर पहुंची है और कामा थाने पर पहुंचकर अपने परिवार के ही देवर जेठो सहित अन्य लोगों पर मारपीट का आरोप लगा रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं पीड़ित महिला से किस तरीके से उसके साथ मारपीट की गई है। जी क्या मामला है? ये मारपीट का है सर, मेरे को मेरे जेठ ने और देवर ने और उनकी वाइफ ने और उसने लड़की ने मेरे साथ बहुत मारपीट करी डंडों से, अकेले घुस के पत्थर वगैरह और पीठ में मतलब बेघायल छोड़ के मेरे को डंडों से मारपीट करके छोड़ गए। ये तीसरी बार किया है मेरे साथ। कितने लोग थे वो, और भी थे उनके अलावा? मतलब चार जने थे, एक जेठ था, एक देवर था और उसकी लड़की थी और उसकी वाइफ थी। दो औरत थी, एक लड़की थी और दो भाई भाई थे। आपका पति कहाँ गया था? बेलदारी पे गया था। मेरे जेठ जेठानी तीनों जने बेलदारी पे जाते हैं। पति जाने के बाद मारपीट की है? हाँ, दोपहर में। आप कामा थाने पे पहुँचे हो? हाँ, हम कामा थाने पे आए थे शाम को। जैसे मेरे आदमी आ गया तो मेरे को उस स्थिति में लेटा पाया कि क्या हुआ, इन्होंने मेरे साथ फिर मार छेड़ी करी है। तो मैं थाने में आई इसी रूप, घायल रूप में ही, तो कह रहे क्या इलाज वगैरह का, तो मैं रिपोर्ट करा दी। फिर मैं सुबह दोबारा मेडिकल वहाँ पर सरकारी में गई, दवाई दे दी। फिर मैं पीड़ित स्थिति से दोबारा यहाँ पर आई हूँ। मेरी मतलब कंप्लेन लिखा है, रिपोर्ट गया कि मेरे को दोबारा ऐसा मेरे साथ ना हो, मतलब मेरे इंसाफ मिले मुझे। अब धमकी दी है मेरे को दोबारा। मैं थाने में आ गई कि अरे रिपोर्ट वापस ले ले, वहीं से रफा दफा करवा दे, नहीं तो तेरे को आके दोबारा देखेंगे, नहीं तो तुझे। धमकी कौन दे रहा है आपको धमकी? अब वो ही दे रहे हैं धमकी फोन पर। ये राजू और ये हप्पो वगैरह है, ये हरवान वगैरह मेरे को धमकी दे रहे हैं। इतने मारने पर भी अभी धमकी दे रहे हैं कि दोबारा गाँव में आ जा, नहीं तो रिपोर्ट वापस ले लिया। यह पीड़ित महिला है जिसने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उसके साथ मारपीट की है। वो कामा थाने पर पहुंची है, मामला दर्ज करा दिया है। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित घायल का राजकीय अस्पताल में मेडिकल मुआयना कराया जाएगा।